ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रिटानिया और बेल ग्रुप ने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए करार को आगे बढ़ाया है। करार के तहत कंपनी ने महाराष्ट्र के राजनांदगांव में नया प्लांट लगाया। नए प्लांट से कितनी बढ़ेगी डेयरी प्रोडक्ट्स की क्षमता, इस पर कंपनी के एमडी वरुण बेरी और इवन बेल ग्रुप के सीईओ सेसिली बिलियॉट से खास बातचीत की हमारी संवाददाता कंचन नौटियाल ने। सुनिए। किस तरीके से चीज बिजनेस से आप ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है? तो पिछले 5 साल में 25% CAGR हुआ है चीज मार्केट में, ऑलबियट एट अ बहुत ही स्मॉल बेस। तो अगर आप अभी देखो द रिटेल सेल ऑफ चीज इज 2000 करोड़, राइट? तो इफ यू लुक एट इट, इट्स अ वेरी नेसेंट कैटेगरी, मगर ग्रोथ इसका ऐसा ही रहेगा। एक्सपेक्टेशन है कि 25% CAGR चलता रहेगा। एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू आर लाइक सीइंग व्हिच विल एक्सपेंड द मोस्ट? आई थिंक द कैटेगरी विल एक्सपेंड टू व्हाट आई कॉल स्नैकिंग चीज। टुडे चीज इज मोर एन इंग्रेडिएंट फॉर कुकिंग, एंड व्हेन यू हैव प्रोडक्ट लाइक दिस, यू नो, सॉफ्ट चीज इन अ ट्रायंगुलर पोर्शन, you can spread it obviously, but you can snack it also. So I think it's a very convenient way to have a super healthy snack made with the purity of cow milk. Okay sir, aise kaun se markets aur area hai agar hum particularly baat kare India ki jahan pe lagta hai ki iski jo growth hai wo kafi jaldi hame badhti hui dikhai degi? To sabse badi markets jo hain do wo Bombay aur Delhi hai, मगर पोटेंशियल हर किसी सिटी में है। और एक्चुअली किसने सिखाया है चीज खाना? हमने नहीं सिखाया, ना ही अमूल ने सिखाया है। ये QSRs ने सिखाया है, पिज्जा हट्स और डोमिनोज ने सिखाया है कि पिज्जा पे तुम डाल के खा सकते हो, एंड वो पेनिट्रेशन क्रिएट कर रहा है। पीपल आर देन ट्राइंग टू रिक्रिएट दोज पिज्जाज एट होम एंड सैंडविचेज एट होम एटसेट्रा। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल हर सिटी में है, बट दीज आर द टू बिग मार्केट्स एंड आई थिंक फॉलोड बाय बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, एंड देन आई थिंक द हिंटरलैंड में भी स्लोली स्टेडिली चीज इज सेटलिंग डाउन, बिकॉज डोमिनोज इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली मेट्रोज टुडे। इस ऑपरेशन से हमारे रेवेन्यू में और साथ में मार्जिन में कैसा इम्पैक्ट देख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? तो चीज जो है वैल्यू एडेड कैटेगरी है क्लियरली। इसमें मार्जिन्स जो हैं वो डेयरी मार्जिन से बहुत हाई हैं, और वी वुड लाइक टू कीप इट दैट वे। इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए इसमें, अगर किसी को चीज बनाना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसा है नहीं कि तुम अपने घर में छोटा सा प्लांट लगाओगे, और यू नो जैसे बिस्किट्स में, अगर बिस्किट बनाना है तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट में हो जाता, बट चीज के लिए the investment is quite large. So there will be 5 or 6 players who will always be there, but it won't be a dog fight. Clearly it's not going to be a dog fight. So with good products, with products which are better than jo market mein available hain, with a brand like Britannia Laughing Cow and a brand jisko hum nurture karenge over the period of time, with the distribution that Britannia has, we get to हमारे पूरे products जो हैं वो 70 लाख outlet पे पहुंचते हैं। तो अगर अब हम नहीं कह रहे कि 70 लाख पे जाएगा चीज, but हमारी capability है उसको expand करने की। So with all that, I think the future is very bright.